जम्मू कश्मीर से विशेष राष्ट्र का दर्जा वापस लेने और 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर केंद्र के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं। दायर याचिका में राज्य के दो हिस्सों में बांटने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस बार पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैजल और जेएनयू की छात्र नेता सहला रशीद समेत 7 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। पूर्व आईएएस और अब नेता शाह फैजल के इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी कश्मीर मसले से जुड़ी बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई की। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं अब सभी याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। सुनवाई करते हुए कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजों की संवैधानिक बेंच सभी याचिकाओं पर सुनवाई अक्टूबर से पहले हफ्ते में करेगी। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नोटिस जारी न करें क्योंकि इससे पड़ोसी देश फायदा उठा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में मीडिया की आजादी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के मुद्दे पर याचिका दायर करने वाले सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को उन्हें सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद शाह फैजल ने कहा था कि कश्मीर में अप्रत्याशित बंद चल रहा है और यहाँ की 80 लाख की आबादी पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इससे पहले कश्मीर में कभी ऐसा नहीं हुआ है। सभी याचिकाओं पर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सुनवाई पूरी की जाएगी, जिसमें केंद्र को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पहली सुनवाई में केंद्र को कई मामलों को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।